सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं अपने व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बंद हो चुकी है। यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सअप है वो ओपन नहीं हो रहा है, वहाँ पर ये वाली डाउनलोड वाली जो प्रॉब्लम है वो हमें मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं, आपकी जितनी भी इसमें चैट डाटा जो भी चीज़ें हैं सब कुछ सेफ है, कुछ भी डिलीट नहीं होने वाला है। आपको बस एक काम करना होगा जिसके बाद ये जो प्रॉब्लम आपके व्हाट्सअप में आ चुकी है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। तो अब क्या करना है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी ईजी वे में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आती क्यों है पहले वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो काफ़ी बार दोस्तों क्या होता है कि हम लोग प्ले स्टोर से अपने व्हाट्सअप को अपडेट नहीं करते हैं। व्हाट्सअप को अगर आप लोग काफ़ी महीनों तक अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो व्हाट्सअप है वो इस तरह से ही बंद हो जाएगी। तो बस आपको सिंपल सा करना क्या है, इसे करना होगा अपडेट। तो अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में आना है, देन आपको यहाँ पर सर्च में सर्च कर देनी है व्हाट्सअप। आपको बस इतना लिख करके सर्च करना है, आपको यहाँ पर ऊपर के साइड ही व्हाट्सअप दिख जाएगी और देन देख सकते हैं अपडेट भी दिख रही है। तो बस आपको व्हाट्सअप को जल्दी से लगा लेनी है अपडेट में। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट होती है, देख सकते हैं जैसे आप लोग अब दोबारा से अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो फिर आपकी जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर से मैं आपको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी व्हाट्सएप जो है वो ओपन हो रही है, सारा कुछ चैट जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस प्रॉब्लम को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।